Good morning, class first. Welcome back to maths class. Today's topic is write the following in the sort from. किसी भी नंबर को हम अभी मैंने ये बताया ना किसी भी नंबर को हम बड़े में कैसे लिखते हैं. अब हम इसमें ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम छोटे में कैसे लिखेंगे. जैसे ये देखिए ऊपर आपका दिया हुआ है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है बेटा, विस्तार रूप. किसी का विस्तार, किसी नंबर को बड़े में कैसे लिखते हैं. अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, किसी भी नंबर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं. जैसे ये आपका है 2 tens + 5 ones = 2. तो 2 tens और 5 ones क्या हो जाएगा. 2 tens, tens means होता है दहाई और ones means क्या होता है इकाई. तो 2 tens means 20 + 5 ones means 5. तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25. 6 tens + 9 ones = कितना होगा 6 tens. tens का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि दहाई होता है दहाई. तो 6 क्या हो जाएगा 60. 60 + 9 = 69. 6 tens + 9 ones = 69. 8 tens + 0 ones = 0 ones means 0 means nothing और 8 tens means 80. तो 80 + 0 कितना होगा 80 ही होगा. किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर तो होता है. नेक्स्ट आपका है 9 tens + 8 ones. 9 tens + 8 ones = 90. तो हम 9 tens और 8 ones ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको हम शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 98. नेक्स्ट आपका देखिए बेटा 7 tens + 3 ones = इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 73. 4 tens + 1 ones = 40 + 1 कितना हो जाएगा 41. ये इसका क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा. 5 tens + 7 ones = 50 + 7 कितना हो जाएगा 57. 4 tens + 4 ones = 44. आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी नंबर का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं. आइए आपको आज का क्लास वर्क बताते हैं. यहाँ आप अपने बुक में यहाँ आप डालेंगे क्लास वर्क CLASS क्लास WORK वर्क क्लास वर्क. राइट द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट फॉर्म. ये देखिए बेटा आपकी बुक में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बड़े में दिया हुआ है. आपको इसको क्या करना है शॉर्ट में लिखना है, छोटे में लिखना है. 5 tens + 8 ones = तो यहाँ हम कौन सा नंबर लिखेंगे 5 tens और 8 ones में. अभी मैंने बताया tens means दहाई और 8 means ones means इकाई. तो 50 + 8 = कितना होगा 58. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है 9 tens + 3 ones. 9 tens + 3 ones आपने ones tens पढ़ा ही है. 9 tens and 1 ones are 91. 9 tens, 2 ones are 92. और 9 tens + 3 ones are कितना हो जाएगा यहाँ 93. नेक्स्ट आपका कौन सा है 8 tens. 8 tens + 9 ones = 8 tens and 9 ones = कितना होगा 89. 89. 5 tens + 1 ones = 5 tens means 50, 1 ones means 1. 50 + 1 = कितना होगा 51. 2
tens plus 8 ones. 2 tens means 20 or 8 ones means, ones means ikai. So 20 plus 8. यहाँ पे क्या आंसर आएगा बेटा? 28. नेक्स्ट आपका है 3 tens plus 3 ones is equal to 33. 4 tens plus 3 ones is equal to 4 tens plus 3 ones, 40 plus 3, 43. यहाँ कौन सा नंबर आप फिल करेंगे? 43. ये आपका क्या है? ये आपका क्लास वर्क है. आइए आपका होमवर्क देखते हैं. आपका होमवर्क, यहाँ आप होमवर्क डालेंगे. होमवर्क आप यहाँ डालेंगे और आपको ये पूरे बॉक्सेस क्या करने हैं, इसे फिल करने हैं. 5 tens plus 5 ones कितना होगा? 5 tens means 50 और 5 ones means 5 to 50, 5 यहाँ आ जाएगा. 4 tens plus 7 ones, 4 tens means 40 plus 7, 4 tens और 7 ones कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा. 5 tens plus 5 ones, sorry 7 tens plus 7 ones कितना हो जाएगा? 75. 7 tens plus 5 ones is equal to कितना होगा? 75. नेक्स्ट आपका क्या है? 1 tens plus 2 ones. यहाँ जो नंबर आएगा आपको इसे अपने से करना है, इसे मैं नहीं बताऊंगी. आपको इसको नीचे तक क्या करना है? फिल करना है. ये आपका होमवर्क है, क्लास वर्क. आप और होमवर्क आज आपको अपनी आपकी बुक में करना है. इसे आप नीट एंड क्लीन करेंगे. ओके, थैंक यू.